टेस्टिस कैंसर का इलाज कंप्लीट तरीके से किया जा सकता है और उसे क्योर किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि ना सिर्फ पहली स्टेज में पर दूसरी और तीसरी स्टेज में भी इसका पूरी तरीके से इलाज किया जा सकता है और चौथी स्टेज तो टेस्टिस कैंसर में गिनी ही नहीं जाती है, उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है। ट्रीटमेंट के शुरुआत में सबसे पहले हाई इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टमी यानी कि टेस्टिस को इंग्वाइनल एरिया में एक इंसिजन के द्वारा निकाल दिया जाता है। इसके बाद इसके प्रकार और स्टेज का मालूम किया जाता है, जिसके लिए कुछ टेस्ट यानी कि बायोप्सी और सीटी स्कैन किए जाते हैं। उसके आधार पर आगे का ट्रीटमेंट इसलिए किया जाता है जिससे कि फैले हुए कैंसर को कम्प्लीटली मिटा सके और अगर कैंसर नहीं फैला है तो उसको वापस आने से रोक सके। इसमें ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और रेडिएशन शामिल है। ऑपरेशन को रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड कहा जाता है। रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डिसेक्शन में सारे के सारे रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स को निकाल दिया जाता है, यानी कि ये वो लिम्फ कोशिकाएं हैं जो कि मेन खून की नसों के आसपास हैं। इनको पूरा निकालने से जो कैंसर के सेल्स टेस्टिस में से ऊपर फैल गए हैं उनको निकाल दिया जाता है, जिससे कि कैंसर पूरी तरीके से मिट सकता है और वापस आने के चांसेस को पूरा कम किया जा सकता है। उसके आधार पर किसी किसी पेशेंट को आगे कीमोथेरेपी दी जाती है। ये ऑपरेशन नर्व प्रिजर्विंग तरीके से किया जा सकता है। इस ऑपरेशन को ओपन, लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक तकनीक से किया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स में जिनमें गांठें बहुत बड़ी हों तो कीमोथेरेपी के बाद या रेडिएशन के बाद ये ऑपरेशन किया जाता है। कीमोथेरेपी में ब्लड में कुछ डोज दिया जाता है जिससे कि फैले हुए कैंसर को कंट्रोल किया जाता है और कुछ पेशेंट्स में जिनमें अर्ली स्टेज कैंसर हो एक या दो साइकिल से कैंसर को वापस आने से पूरी तरीके से रोका जा सकता है। रेडिएशन थेरेपी सेमिनोमा नाम के कैंसर में दी जाती है। ये कुछ कैंसर्स में दी जाती है जिनका स्टेज जो है वो 1 या 2 हो। इस प्रकार से ट्रीटमेंट करने से रिजल्ट अच्छे मिलते हैं।